सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, आप लोग आके यहाँ पे खाना ट्राई कर सकते हो, बट दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, आप लोग किसी में भी आके ट्राई कर सकते हो। और ये बिल्कुल गार्डन इनका थीम है, तो यहाँ की जो थीम है वो गार्डन बेस्ड है, तो आप देख सकते हो कि सारे ही जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब में इतने सारे प्लांट्स हैं, बट ऑल्सो दे आर गुड फॉर अस, ऑक्सीजन देते हैं तो होना भी चाहिए। तो उसके बाद हम एक और, ये भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन आगे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं खाना तो आप आगे भी खा सकते हो, बट ये वीडियो ना एक्चुअली ये इंडिया वालों के लिए ज़्यादा है, वो लोग घूमने के लिए जगह ढूंढते हैं, बट ये आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे आओ, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल प्लेस है, थोड़े से पैसे में भी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आप लोगों का काम हो जाएगा। सो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आपको बाहर घूमना है, फॉरेन ट्रिप मारनी है, तो जॉर्जिया आप लोग आ सकते हैं। अब एक ये रोड आई है, इसका वाइब देखो आप कितना मस्त है, फ्रेश फ्रूट्स और लाइक अराउंड 1 किलोमीटर तक हमको वॉक करना पड़ेगा टू रीच अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन। और मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को यहाँ के सोवेनियर्स दिखा सकूँ, तो आप देख सकते हो शॉप्स में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है गाइस, टैग्स, आई लव द पीसी के बैग्स, सैंडल्स भी मिलती है, इवन प्लेट्स, फोटोज, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। यहाँ की बहुत ज़्यादा ओल्ड हिस्टोरिकल चीज़ें आप लोगों को मिलेगी इन शॉप्स पे, अगर कोई आ रहा है बाहर से और वो अगर कोई बाहर से आ रहा है और वो लोग लेना चाहे कि हाँ कुछ निशानी के तौर पे होना चाहिए, सो उसको आपको मिले। यहाँ पे एक बस आ गई बीच में, तो आप यहाँ किसी भी बस, सो लाइक वो बोलते हैं ना कि निशानी के तौर पे कि हम वहाँ गए थे, वहाँ की कोई निशानी उसके तौर पर ये जगह। अब यहाँ से हम वैरायटी ऑफ फूड इसमें आपको अपनी पसंद का जो भी खाना है वो सब मिल जाएगा। और हाँ, जो इंडियन खाना चाहे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे पास में इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मेरे को एग्जैक्ट गली याद नहीं है, बट एक इन गलियों में से एक का इंडियन रेस्टोरेंट भी है। बट अगर यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है तो वो भी बहुत पास है। सो एक यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, और वो जो है मतलब पता क्या होता है, बहुत सारे नो डाउट खाना भी सबका अच्छा है, बट पूरी इंडियन वाली फील लेनी है ना, तो यहाँ से थोड़े ही दूर रुस्तावेली जगह है एक, वो भी बहुत फेमस जगह है, वहाँ का भी लोग आपको देखने मिलेगा आगे, वहाँ पे एक है खुशी रेस्टोरेंट। सो वहाँ का खाना बेस्ट बेस्ट इंडियन फूड, वहाँ पे मतलब इंडियन वाली फील, मतलब प्रॉपर पानी पूरी, चाय, पराठे, पकौड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गुलाब जामुन, तो सब मिलते हैं, बहुत मस्त फूड। सो वहाँ पे भी आपको किसी दिन लेके चलेंगे। और ये सारा रोड का व्यू। सो अब हम लोग बस आई थिंक 5 ही मिनट में पहुंच जाएंगे, और हमने हाफ वे कवर भी कर लिया है, तो उसके बाद हम आपको लिबर्टी स्क्वायर दिखाएंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ के एक और अनदर फेमस स्पॉट जो है लिबर्टी स्क्वायर। आप देख सकते हो कि ये कितना ब्यूटीफुल है, इसकी लोकेशन बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे पास में एकदम साइड में बाजू में एक मॉल है गैलेरिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। प्लस यहाँ पे इस साइड
बर्बरी एंड ऑल इन सब के बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम भी हैं कुछ, और मॉल में भी आपको कुछ शोरूम मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे डंकिन और यहाँ का लोकल फूड आपको खाना हो तो वो भी मिल जाएगा। और साथ ही सब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे गैलेरिया मॉल है, आप लोग देख सकते हो। ये गैलेरिया मॉल है और अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मॉल कैसा है। जाके आपको इस मॉल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस, अब ब्लॉग तो कर लिया, अब लगी है भूख क्योंकि ना हम जल्दी निकल गए थे, तो मैंने तो मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया घर से। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या खाएंगे। और प्लस मैं मतलब मुझे ना पर्सनली ये मॉल ठीक लगता है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मतलब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ कुछ ब्रांड्स नहीं है। बट यहाँ पर मैं स्पेशल, और ये मेरे घर से दूर भी है, बट मैं यहाँ पर इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर H&M है, तो H&M के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। खाना खाएंगे, और यार खाने में भी ना बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो वेज खाना देखना है कि क्या खाना है। सो मे बी नूडल्स सोच रहे हैं, वेज या फिर वेज बर्गर भी खा सकते हैं। सो मैंने यहाँ से नूडल्स ऑर्डर कर दिए हैं और 10 मिनट्स लगेंगे वेज नूडल्स आने में, तब तक वेट करते हैं सिटिंग एरिया पर बैठ के। तब तक चलो मैं अपने फ्रेंड के पास चलती हूँ, वो बर्गर ऑर्डर करने गई है, तो देखती हूँ वो कहाँ है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा फनी चीज़ मेरे साथ एक हो गई है कि मेरा इयररिंग एक बहुत देर से निकला हुआ है और मैं एक ही इयररिंग पहन के इधर उधर घूम रही हूँ। और मैंने अभी मैं फ़ोटो क्लिक करने लगी ना, तो मैंने नोटिस किया कि यार इयररिंग एक ही है, और आपको दिखेगा वीडियो के थ्रू कि कब मेरा निकल के गिर गया और मुझे ध्यान ही नहीं लगा। तो इस ठंड के मौसम में हमने डिसाइड किया कि हम आइसक्रीम लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी आइसक्रीम शॉप है, तो हमने वहाँ से आइसक्रीम ली और बहुत मज़े किए आज हमने, और काफ़ी दिनों बाद मिले थे, तो अब बस घर जाने की तैयारी। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, बट उससे पहले ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये एरिया जो है ये भी बहुत अच्छा है पूरा, और इसके आगे बहुत ही एरिया है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। और आज बहुत ज़्यादा मजे किए, बहुत दिनों बाद मिले थे, बहुत अच्छा टाइम रहा, और आई होप जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे फेमस स्पॉट्स दिखाए हों आप लोगों को भी पसंद आए हों। और इसी तरह अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो गाइस प्लीज़ बहुत सारा प्यार दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, गुड बाय।